really love you back. I know. I really love you. कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने, अपना है तो फिर ना सही पर इस दिल को ये समझा लिया। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने रील वीडियो को देखा है, आज की इस वीडियो में हम लोग भी इसी टाइप की रील वीडियो को बनाने वाले हैं, और इस टाइप की रील वीडियो बनाने के लिए हम लोग कैपकट एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग VPN को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिएगा। VPN को कनेक्ट करने के बाद अब आप लोग अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करिएगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक 13 सेकंड की वीडियो टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप लोग वीडियो टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको 13 सेकंड की वीडियो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, फिर आना है फोटोज वाले सेक्शन में और यहाँ से आप लोग अपनी किसी भी 4 फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जिस फोटो का यूज़ करके मैं रील वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको भी इसी फोटो का यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाकर आप लोग सारी फोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे ऐड पे टैप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी वीडियो टेम्पलेट और सारी फोटो कैपकट एप्लीकेशन के अंदर इम्पोर्ट हो जाएगी। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर हमें ऑडियो को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो में से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जिस वीडियो में से हम लोग ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि वीडियो में से ऑडियो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको ऐड ऑडियो पर टैप करना होगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्टेड का, एक्सट्रैक्टेड वाले ऑप्शन पर टैप करिएगा और जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ उस वीडियो को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब आप लोग वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट साउंड ओनली का। जैसे आप लोग इस पर टैप करेंगे तो वीडियो में से ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ऑडियो आ चुकी है। अब इसी ऑडियो के अंदर हम लोग लिरिक्स के अकॉर्डिंग बीट मार्क लगाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ऑडियो पर टैप करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीट्स का, बीट्स वाले ऑप्शन पर टैप करिएगा और यहाँ पर लिरिक्स के अकॉर्डिंग बीट मार्क लगा लीजिएगा। तो पहला लिरिक्स हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से मेरा पहला लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है, यहीं से हम लोग पहला बीट मार्क लगा लेंगे। बीट मार्क लगाने के लिए नीचे ऐड बीट पे टैप करिएगा तो येलो डॉट आपका बन जाएगा। येलो डॉट का मतलब होता है यहाँ पर हमारा बीट मार्क लग चुका है। इसी तरह आपको सारे लिरिक्स के अकॉर्डिंग बीट मार्क लगा लेना होगा। तो टोटल आपको यहाँ पर 4 बीट मार्क लगाना होगा। तो जल्दी से मैं ऑडियो के अंदर बीट मार्क लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑडियो के अंदर बीट मार्क लगा लिया है। बीट मार्क लगाने के बाद टिक पे आप लोग टैप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी ऑडियो के अंदर सारे बीट मार्क लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बीट मार्क के अकॉर्डिंग फोटो को एडजस्ट कराना है। तो जहाँ से हमारा पहला बीट मार्क स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमारी पहली फोटो स्टार्ट होगी। अब जहाँ तक आपका सेकंड बीट मार्क रहेगा वहाँ तक आपकी पहली फोटो रहेगी। तो पहली फोटो पर टैप करिए और जहाँ तक आपका सेकेंड बीट मार्क है वहाँ तक पहली वाली फोटो को एडजस्ट कर दीजिए। इसी तरह सेकेंड वाली फोटो पर टैप करिए और जहाँ तक आपका थर्ड बीट मार्क रहेगा वहाँ तक आप लोग सेकेंड फोटो को इस तरह एडजस्ट कर दीजिए। थर्ड फोटो पे टैप करिए, जहाँ तक फोर्थ बीट मार्क रहेगा फोटो को इस तरह एडजस्ट कर दीजिए और लास्ट में आपकी जहाँ तक ऑडियो रहेगी वहाँ तक आपकी फ़ोटो रहेगी। जैसा कि मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली आप लोग भी इसी तरह कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद अब हम लोग सारी फोटो के बीच में ट्रांजिशन लगाएंगे। तो उसके लिए आप लोग इस बॉक्स पर आप लोग टैप करिएगा तो इसके अंदर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा ब्लैक फेड का। तो ब्लैक फेड वाले ट्रांजिशन को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसकी टाइम ड्यूरेशन आप लोग कर लीजिएगा 0.8 सेकेंड। इतना करने के बाद नीचे अप्लाई टू ऑल पे टैप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, सारी फोटो के अंदर ट्रांजिशन लग जाएगा। इतना कर लेने के बाद टिक करके आप लोग को इसे डन कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिरिक्स वीडियो बनाना होगा। तो लिरिक्स वीडियो बनाने के लिए हम लोग टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो जहाँ से हमारी पहली फोटो स्टार्ट हो रही है यहीं से हम लोग लिरिक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लिरिक्स बनाने के लिए हम लोग टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। तो नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करिए, ऐड टेक्स्ट पर टैप करिए। तो जो आपका पहला लिरिक्स है उसको यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। तो जल्दी से मैं अपना पहला लिरिक्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना लिरिक्स लिख लिया है। अब आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा होगा कि मेरे लिरिक्स में दो फॉन्ट का यूज़ हुआ था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट का 3 वर्ड है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर 3 वर्ड को लास्ट वाले सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक फॉन्ट मिलेगा कॉन्स्टेंट का, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद स्टाइल वाले ऑप्शन पर आइएगा और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये येलो कलर का हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद टेस्ट की आप लोग इसकी फॉन्ट की साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा इस तरह से। इतना करने के बाद अब हमें इसमें एनिमेशन देना होगा। तो एनिमेशन वाले ऑप्शन पे आइएगा। तो यहाँ पर हम लोग इन एनिमेशन नहीं देंगे, डायरेक्ट आएंगे आउट एनिमेशन पे। आउट एनिमेशन में आपको एक एनिमेशन मिलेगा फेड आउट का, फेड आउट वाले एनिमेशन को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद इसकी टाइम ड्यूरेशन कर लीजिएगा 0.8 सेकेंड। अब आपको आना है लूप वाले एनिमेशन पे।
तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा डूडल सेकंड का, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको आप लोग यहाँ से इसकी टाइम ड्यूरेशन कर लीजिएगा 1.5 सेकंड। इतना कर लेने के बाद टिक करके आपको इसे डन कर देना है। अब जहाँ तक आपकी पहली फोटो रहेगी वहाँ तक इस टेक्स्ट को आप लोग इस तरह एडजस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपकी लिरिक्स कुछ इस टाइप से बनकर रेडी हो जाएगी। लिरिक्स हमारी थोड़ी बड़ी है तो इसको हम लोग डबल फिंगर से इस तरह छोटा कर लेते हैं और इसको रख लेंगे नीचे। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर पहली लिरिक्स रेडी हो चुकी, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा इस टेक्स्ट को कॉपी करना है और पेस्ट करते जाना है। तो टेक्स्ट पे टैप करिए, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, कॉपी वाले ऑप्शन पे टैप करिए और इसको ले आइए बगल में इस टेक्स्ट के जहाँ से आपकी सेकंड फोटो स्टार्ट हो रही है। इतना कर लेने के बाद अब हमें इसी टेक्स्ट को एडिट कर लेना है। तो टेक्स्ट पर टैप करिए, यहाँ पर फिर से टेक्स्ट पर टैप कर दीजिए। अब आपका जो सेकंड लिरिक्स है उसको यहाँ से आप लोग लिख लीजिए। तो सेकंड लिरिक्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। लिरिक्स लिख लेने के बाद फिर से हम लोग वही काम करेंगे, लास्ट के तीन वर्ड को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, उसी फॉन्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद स्टाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे, थर्ड ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप लोग कलर वाले को चेंज कर लीजिएगा और यहाँ से इसकी साइज भी थोड़ी सी इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा। इतना साइज आप लोग बड़े करिएगा कि फोटो के अंदर ही आपका टेक्स्ट रहे। इतना कर लेने के बाद टिक करके आपको डन कर देना है, एनिमेशन नहीं लगाना क्योंकि हम लोग टेक्स्ट को कॉपी किए हैं। अब जहाँ तक आपकी सेकंड फोटो रहेगी वहाँ तक आप लोग टेक्स्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी सेकंड लिरिक्स भी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको लिरिक्स ऊपर रखना है तो इस तरह ले आकर ऊपर इस तरह रख सकते हैं। सेकंड लिरिक्स बन गई, फिर से हम लोग इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट टेक्स्ट के बगल में लाकर इस तरह रख लेना है। फिर से हम लोग इसको एडिट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट पे टैप करेंगे और इसको यहाँ से थर्ड लिरिक्स के अकॉर्डिंग एडिट कर लेंगे। यहाँ पर मैं अपना थर्ड लिरिक्स लिख लेता हूँ। थर्ड लिरिक्स मैंने लिख लिया है। फिर से हम लोग तीन वर्ड को, आखिरी वाले तीन वर्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, कॉस्टेन फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टाइल पे आएंगे, थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इसका ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी साइज भी थोड़ी सी इस तरह से बड़ा कर लेना है। इतना कर लेने के बाद टिक करके हमें इसे डन कर देना है। अगर आपको टेक्स्ट नीचे रखना है तो इस तरह आप लोग टेक्स्ट को नीचे भी रख सकते हैं। टिक करके आपको डन कर देना है। यहाँ पर थर्ड लिरिक्स हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। फिर से हम लोग लास्ट वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लास्ट वाली फोटो के नीचे लाकर इस तरह रख लेना है। जहाँ तक हमारी लास्ट फोटो रहेगी वहाँ तक टेक्स्ट को इस तरह क्रॉप कर लेंगे। फिर से टेक्स्ट को हम लोग एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी लिरिक्स भी बनकर रेडी हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी लिरिक्स बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम लोग यहाँ पर दो इफेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमारी 100% रील वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। तो जहाँ से हमारी पहली फोटो स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आप लोग आइएगा, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट का, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करिएगा, वीडियो इफेक्ट पे टैप करिएगा और यहाँ पर हम लोग पहला इफेक्ट लगाएंगे रिपल डिस्टॉर्शन का। तो वो हमें मिलेगा यहाँ पर डिस्टॉर्शन वाले इफेक्ट में। तो डिस्टॉर्शन वाले इफेक्ट पे टैप करके आ जाइएगा, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपल डिस्टॉर्शन का, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर से इसी इफेक्ट पर टैप करिएगा। यहाँ से इसकी जो स्पीड है उसको कम कर लीजिएगा, यहाँ पर 8 कर लीजिएगा। स्पीड 8 करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, टिक करके आपको डन कर देना है। अब जहाँ तक आपकी वीडियो रहेगी वहाँ तक इस इफेक्ट को कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद एक और इफेक्ट हमें यहाँ पर लगाना है। तो बैक आइए, वीडियो इफेक्ट पर टैप करिए और यहाँ पर आपकी हमें इफेक्ट लगाना है गोल्डन स्नो का। तो वो इफेक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा क्रिसमस वाले पे। तो क्रिसमस वाले पे टैप करके आइएगा, इसके अंदर आपको गोल्डन स्नो नाम का इफेक्ट मिल जाएगा, इसको आप लोग टैप करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद टिक करके आपको इसे डन कर देना है और जहाँ तक आपकी वीडियो है वहाँ तक इस इफेक्ट को कर लीजिएगा। तो फाइनली आपकी यहाँ पर वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है, मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। फाइनली इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट वाले पे टैप करिएगा तो यहाँ पर आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।